दावे के लिए टेलीविजन इंडस्ट्री आई एक साथ। टेलीविजन जगत की कई हस्तियों ने अनिरुद्ध के लिए मांगी दुआएं। पटियाला बेब्स फेम अनिरुद्ध दवे 23 अप्रैल को कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। अनिरुद्ध अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए भोपाल में कर रहे थे शूट, जिसके बाद वो कोरोना संक्रमित हो गए। वेल, आज जब से ये खबर आई है कि अनिरुद्ध की हेल्थ काफी क्रिटिकल हो गई है और उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है, तब से ही टेलीटाउन के अनिरुद्ध के फ्रेंड्स ने अपने फैन से उनके लिए प्रे करने की गुहार लगाना शुरू कर दिया है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है पॉपुलर एक्ट्रेस निया शर्मा का। जी हाँ, निया ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अनिरुद्ध और उनके 2 महीने के बेटे की तस्वीर शेयर की और अनिरुद्ध के लिए ये मैसेज दिया कि उनका 2 महीने का बेटा उनका वेट कर रहा है और वो कोरोना की इस जंग को एक हार्ड फाइट देकर जल्द ही वापस आ जाएं। अर्जुन बिजलानी ने भी अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर अनिरुद्ध के लिए लोगों से दुआएं मांगी और ये बताया कि वो इस खबर से काफी डिस्टर्ब्ड हैं। अर्जुन के अलावा नकुल मेहता ने भी अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अनिरुद्ध के लिए किया प्रे और ये भी बताया कि वो टेलीविजन के सबसे अच्छे और टैलेंटेड लोगों में से एक हैं। आपकी नजरों ने समझा फेम। विजेंद्र कुमेरिया ने भी अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया, जहां उन्होंने लोगों से ये गुहार लगाई कि अनिरुद्ध के लिए ढेर सारी प्रेयर्स सब भेजें। पटियाला बेब्स की उनकी कोस्टार अशनूर कौर ने भी लोगों से अनिरुद्ध की स्पीडी रिकवरी के लिए गुहार लगाई और उनके लिए प्रेयर्स भी की। इन सब के अलावा माही विज, मोनिका खन्ना, मीरा देवस्थले, अदा खान, किशोर मर्चेंट, आस्था चौधरी, रौनक रॉय, कुशाल टंडन, अनीता हसनंदानी, मृणाल जैन जैसे कई जाने माने सितारों ने भी अनिरुद्ध के लिए मांगी दुआएं। वेल, हम भी यही दुआ करते हैं कि अनिरुद्ध जल्द ही पूरी तरीके से ठीक हो जाएं और एक बार फिर अपने परिवार संग हो जाएं यूनाइट। एंटरटेनमेंट की दुनिया की सारी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।